नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम आपको बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त अप टू डेट लेकर आए हैं। जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं आप, शिक्षक नियोजन के लिए चलाया अभियान। कल ट्यूटर अभियान चलाया गया था और कल शिक्षा मंत्री विजय चौधरी लाइव भी आए थे। भिन्न भिन्न पेपरों में भिन्न भिन्न हेडिंग के अंतर्गत छापा गया है। जैसे हिंदुस्तान में छापा गया है, 8 साल बाद हुआ STET पास होने के बाद भी बेरोजगारी। यानी एक तो एग्ज़ाम हर साल होती नहीं है और एग्ज़ाम होने के बाद अगर पास भी हो जाता है फिर भी बेरोजगारी होती है। क्या है पूरा मामला इस वीडियो में। और आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज 3 जून है और आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भी है ब्लाइंड फेडरेशन केस के तहत। आप लोग भगवान से उम्मीद दुआ कीजिए कि सुनवाई हम लोगों के पक्ष में आए और जल्द सभी लोग शिक्षक नियोजित हो जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8 साल बाद STET का आयोजन किया गया, पास होने के बाद भी बेरोजगारी है। अब नौकरी की उम्र भी निकली जा रही है। माध्यमिक व +2 स्कूलों में 37,400 पदों के लिए आयोजित STET 2019 परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने बुधवार को सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से आंदोलन की शुरुआत की और सरकार के समक्ष अपनी नियुक्ति की मांगों को रखा। शिक्षकों की कमी के कारण राज्य की माध्यमिक विद्यालयों की बदहाल शिक्षा व्यवस्था एवं STET 2019 के 3 विषयों के लंबित रिजल्ट को जारी करके शीघ्र नियुक्ति करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से बदहाल माध्यमिक शिक्षा बिहार व STET रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग #  अभियान चलाया। इसमें सूबे के बाहर के भी 12 लाख से अधिक लोग मांगों के पक्ष में जुटे। अभ्यर्थियों की मांग दिन भर सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। आम लोगों को भरपूर साथ मिला, माने शिक्षक अभ्यर्थी के साथ साथ आम जनता ने भी बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और इसमें आम जनता का भी भरपूर साथ रहा। इसके अलावा सभी शिक्षक संगठन, राजनीतिक दलों एवं कई युवा छात्र संगठनों का भी समर्थन मिला है। देखिए आज कोर्ट का फैसला क्या आता है। ट्विटर ट्रेंड में जो चला था वह रिपोर्ट है। कल शिक्षा मंत्री ने तो बयान दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग कराएंगे। देखिए क्या होता आज का कोर्ट का फैसला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आपके अपने चैनल PKV मैथ्स को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटे का बटन जरूर दबाएँ ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।